ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 50वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 5वीं पुण्यतिथि समारोह के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गोरखनाथ मंदिर के स्मृति भवन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने दोनों ब्रह्मलीन महंत को पुष्प अर्पित कर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अयोध्या धाम से पधारे जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य ने कहा कि महंत दिग्विजयनाथ ने राजनीति को धर्म के खूंटे से बांधा। महंत दिग्विजयनाथ जी, महंत अवैधनाथ जी एवं महंत योगी आदित्यनाथ जी वैश्विक क्षितिज पर राजनीति और धर्म के द्वंद के उत्तर हैं। दुनिया के राजनीति इतिहास के इस पीठ ने उस विशिष्ट परंपरा को प्रतिष्ठित किया है जो धर्म और राजनीति के सिक्के का एक पहलू मानती है। जो परंपरा राजनीति को भी लोक कल्याण का साधन मानती हैं, भारत की इस सनातन परंपरा के वैचारिक अनुष्ठान को इस पीठ ने वर्तमान युग में व्यवहारिक धरातल का पर प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने कहा कि धारा 370 और 35A हटाकर केंद्र की मोदी सरकार ने देश को एक करने में बड़ा काम किया है। ये दोनों पूज्य महाराज जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत सरकार की पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती ने कहा कि वर्तमान युग में साधु संतों को मठ मंदिरों से बाहर निकलकर देश और समाज के लिए काम करने का मार्ग इस पीठ ने दिखाया है। मोदी योगी देश के विकास पुरुष हैं। इस पीठ के पीठाधीश्वरों को जन और धन का जितना व्यापक समर्थन मिला है उतना शायद ही किसी पीठ को मिला हो, लेकिन इस व्यापक जन समर्थन को इस पीठ ने राष्ट्र और समाज के हित में समर्पित कर दिया है। महंत दिग्विजयनाथ महाराज एवं महंत अवैधनाथ महाराज इसी परंपरा के निर्माणकर्ता हैं। दोनों ब्रह्मलीन महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि। उनके वैचारिक अभियान को निरंतर बढ़ाते रहना ही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरज पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं महंत अवैधनाथ जी महाराज ने राष्ट्र धर्म को सभी धर्मों से ऊपर माना। उन्होंने माना कि भारत को यदि भारत बने रहना है तो इसकी कुंजी सनातन हिंदू धर्म एवं संस्कृति में है। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज आनंद मठ की सन्यासी परंपरा के वे साक्षात प्रतिमूर्ति थे। गोरखपीठ के पीठाधीश्वर द्वारा प्रारंभ की गई परंपरा आगे भी निरंतर चलती रहेगी। श्री गोरखपीठ द्वारा संचालित सभी संस्थाएं जहां भी जो भी अच्छा हो उसके साथ खड़ी हो और उसके साथ चलें। गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना का पूरा श्रेय महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज को ही जाता है। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की पहल और उनके अहनिर्ष प्रयत्न से ही गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हो सकी। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने यदि अपने दो महाविद्यालयों सहित पूरी संपत्ति विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु दान ना दी होती तो गोरखपुर में विश्वविद्यालय का सपना अधूरा रहता। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने महंत जी के निर्देशन पर अपना पूरा योगदान दिया और आज गोरखपुर उच्च शिक्षा का एक प्रतिष्ठित केंद्र बना हुआ है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद तब से अब तक गोरखपुर विश्वविद्यालय को अपनी संस्थाओं की तरह ही संरचित एवं संवर्धित करती रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व के पीठाधीश्वरों ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि व्यक्तिगत धर्म से राष्ट्र धर्म बड़ा है। यदि व्यक्ति का विकास चाहिए तो राष्ट्र का विकास उसकी अनिवार्य शर्त है। समर्थ भारत और समृद्धि की पूरी परिकल्पना भारत के संविधान में निहित है। भारत के अनेक मनीषियों एवं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारत का जो संविधान हमें दिया है वो उसी भारत के निर्माण का आधार है। जैसा भारत हम चाहते हैं, भारत की ऋषि परंपरा एवं भारत के संत परंपरा ने जिस भारत की परिकल्पना प्रस्तुत की है उसे हमें भारत के संविधान में देख सकते हैं। भारतीय संस्कृति में छुआछूत, ऊंच नीच जैसी किसी भेदभाव को स्थान प्राप्त नहीं है और यही बात भारत का संविधान भी कहता है। श्री गोरखनाथ मंदिर में सभी पंथों के योगी महात्मा रहते हैं। दोनों ब्रह्मलीन महंत जी महाराज ने हिंदुत्व को ही श्री गोरखनाथ मंदिर का वैचारिक अधिष्ठान बनाया। उन्होंने आगे कहा कि श्री गोरखपीठ एवं गोरखपुर के वर्तमान स्वरूप के शिल्पी योगी राज बाबा गंभीर नाथ और उनके तपस्या से पले बड़े महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज थे। उन्होंने हर क्षेत्र में अपूर्णता को पूर्णता प्रदान की। नाथ संप्रदाय के बिखरे योगी समाज को एक किया और उन्हें धर्म, अध्यात्म और साथ साथ राष्ट्रोन्मुख किया। हिंदुत्व के मूल्यों और आदर्शों की पुनर्स्थापना के लिए वे राजनीति दलदल में कूदे। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल संबंध पर नेहरू सरकार को बार बार ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की सहायता लेनी पड़ती थी। ब्रह्मलीन महाराज के धर्म, राजनीति, शिक्षा, समाज के संदर्भ में विचार आज भी प्रासंगिक है। शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से अति पिछड़े इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में उन्होंने शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थाओं और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर
हिंदुत्व आधारित सामाजिक परिवर्तन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। अपने समय के वे धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में एक सशक्त हस्ताक्षर थे। महात्मा गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन के बाद कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के विरुद्ध कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी राजनीति का शंख नाद किया। आज गोरखपुर में जो कुछ भी गौरव प्राप्त करने वाली चीज़ें हैं, उनमें पूज्य दोनों ब्रह्मलीन संतों का सर्वाधिक योगदान रहा है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाएं दोनों ब्रह्मलीन मान जी महाराज के सपनों को साकार करने में अपनी पूर्ण सामर्थ्य का उपयोग करें, यही उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर महाराणा प्रताप शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित सभी संस्था प्रमुखों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह का समापन वंदे मातरम के साथ किया गया। Thank you.
परिस्थितियों के बावजूद हमारे बीच अभी अभी भारत सरकार की पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश साध्वी उमा भारती जी हमारे बीच पधारी हैं। आयोजन समिति की ओर से गोरक्षपीठ की ओर से हम उनका सादर अभिनंदन करते हैं। तो विष्णु ऋषि की परंपरा में मानते हैं कि कृषि के बाद ये कर्म योगी पूरे प्रदेश में आर्थिक विज्ञान में एवं उपस्थित जनमानस हम दिग्विजय नाथ जी महाराज एवं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सबको प्रणाम करती हूँ। नमस्कार, मैं गांधी जी के साथ योगी जी के साथ जब बात कर रही थी तो यह बड़ा अद्भुत संयोग है कि एक की 125 की जन्म जयंती और दूसरे महाराज जी की 100वीं जयंती लक्ष्य को हम मना रहे हैं। यानी आप यदि दिग्विजयनाथ महाराज होते तो 125 वर्ष के होते और महंत गजेंद्रनाथ जी होते तो 100 वर्ष के होते। आज हम उनका शताब्दी वर्ष भी मना रहे हैं, 125वीं जयंती भी मना रहे हैं और उनका पुण्य स्मरण भी कर रहे हैं। और उन दोनों महापुरुषों की तपस्या का जो फल है वो योगी आदित्यनाथ जी के रूप में हम यहाँ पर देख रहे हैं। दोनों महापुरुषों के चरणों में अपना वंदन प्रस्तुत करती हूँ। मुझे दिग्विजयनाथ जी के दर्शन तो नहीं हुए लेकिन दिग्विजयनाथ जी के साथ मेरा एक अलौकिक संबंध जरूर हुआ जिसकी चर्चा मैंने कभी योगी आदित्यनाथ जी से की। लेकिन महंत अवैधनाथ जी के साथ मेरा बहुत आत्मीय संबंध रहा। मेरे गुरु जी के वो परम मित्र रहे और मैं उनके लिए पुत्री लग रही, लेकिन वो ऐसे बालक जैसे स्वभाव के थे कि मैं उनको कहा सकती थी कि अच्छा मैं आपकी बेटी भी हूँ और मैं आपकी माँ भी हूँ और इस बात से बहुत प्रसन्न होते थे। मैंने संतों के बारे में तो सुना है कि संत हमेशा बालक होते हैं। अगर ये चीज किसी को समझनी हो तो वो महंत अवैधनाथ जी का स्मरण करना होगा कि वो वयोवृद्ध होकर के भी एक नन्हे बालक के समान लगते थे और बहुत लंबी आयु उनकी जो त्वचा थी वो एक शिशु के जैसे चमकती थी, जैसे 6-7 महीने के शिशु की जो त्वचा होती है इस तरह से अपूर्व के एक महान योगी होने का प्रमाण देती थी। महंत दिग्विजयनाथ जी के बारे में तो मैंने सिर्फ पढ़ा भरे लेकिन जो जानकारियाँ उनके बारे में हुई कि उन्होंने दोनों काम किए, संत का भी काम किया और सिपाही का भी काम किया। क्योंकि भारतवर्ष में ऐसी आवश्यकता जब जब आ पड़ी है तब तक नाथ संप्रदाय के योगियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भगवान की आराधना की भी भूमिका निभाई है और देश धर्म की रक्षा की भी भूमिका निभाई है और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि जिस भगवान शंकर की हम आराधना करते हैं वो भगवान शंकर के हाथ एक हाथ अभयदान की मुद्रा में उठा हुआ है तो दूसरे हाथ में त्रिशूल भी है। यानी जो उनकी शरणागति में आएगा उसको अभयदान मिलेगा लेकिन जो उनकी सृष्टि में वर्धमान उत्पन्न करेगा उसके लिए त्रिशूल भी है। इस प्रकार से जो उनका स्वरूप रहा है वही हमारी भारतीय संत परंपरा का रहा। अभी मुझे तो इतनी खुशी होती है, मैं यहाँ आई थी 2015 जुलाई में, उस समय पर उसके बाद मुझे आज आने का योग मिला है। जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो मुझे लगा जैसे मान लो जो गोरखनाथ संप्रदाय की तपस्या से जो ध्वनि चल रही, जो धुनी चल रही है और उसमें से जो ज्वाला निकल रही है उसी ज्वाला का एक पुंजीभूत रूप है जो योगी आदित्यनाथ जी के रूप में प्रकट हुआ है। और ये जब शासन का भार अपने हाथ में लिया तो मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है। लोग ये मानते हैं, ये धारणा बनाए हुए हैं कि साधु संत तरह तरह की धारणाएं पैदा करते हैं और जो अपने आप को बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझते हैं, बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट और साइंटिस्ट समझते हैं, वो भी कई बार हिंदू साधु संतों का माहौल बना देते हैं। लेकिन नोएडा के बारे में धारणा थी कि नोएडा में जो भी मुख्यमंत्री जाएगा उसकी कुर्सी नहीं बचती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम नोएडा में हुआ तो पीएमओ ने योगी आदित्यनाथ जी से पूछा
कि हम भगवान में विश्वास रखते हैं लेकिन हम अंधी बाध्यताओं में विश्वास नहीं रखते हैं। जो अंधी बाध्यताएं होती हैं उनमें हम विश्वास नहीं रखते हैं। और जिस प्रकार से प्रदेश ने उनको चलाया है, प्रदेश को उन्होंने चलाया है, मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश की जो हालत थी वो बहुत खराब थी। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को चाहिए था जो जातिवाद से परे हो, परिवारवाद से परे हो, किसी भी प्रकार के भेदभाव से परे हो, जो निर्लिप्त हो, निर्विकार हो और पूरे राज्य को सब दृष्टि से देखता हो, ऐसा ही व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश में आम अनुकूल परिवर्तन कर सकता था। और इस सांचे में अगर कोई भला हमला व्यक्ति था जो परिवारवाद के मोह से मुक्त हो, जातिवाद के मोह से मुक्त हो, भाई बंधुओं के मोह से मुक्त हो, निर्लिप्त हो, निर्विकार हो, मोह से मुक्त हो और प्रेम से भरपूर हो, तो ऐसा व्यक्ति सब योगी आदित्यनाथ जी थे। और इसलिए मुझे जिनके सामने बोलने में भी संकोच होता है उनके बारे में, क्योंकि मुझसे आयु भी छोटी, लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ेगा। मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं जो दृढ़ भी दिखाई देते हो और मधुर भी दिखाई देते हो। आप कभी उनके संपर्क में आइए, उनसे बातचीत करिए, तो आपको वो दृढ़ लगेंगे, बहुत दृढ़ता दिखाई देगी, लेकिन दृढ़ता में कठोरता दिखाई नहीं देगी, दृढ़ता में स्नेह दिखाई देगा, सरलता दिखाई देगी और मधुरता दिखाई देगी। ऐसा जो मेल होता है वो किसी परम योगी में ही होता है। और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरु गोरखनाथ की जो आशीर्वाद की छाया थी उसके कारण आज उत्तर प्रदेश की रक्षा के लिए गोरखनाथ धाम से ही नेतृत्व का उदय हुआ और अंत में ये राज्य बहुत विकास के सोपान चलेगा। क्योंकि इसके पहले आमतौर पर धारणा ये थी कि साधु संत से भजन पूजन करना जानते हैं, लेकिन अब लोगों की समझ में आया है कि गेरुआ वस्त्र धारण करना और साधुता ये निजी जीवन का अंग है, निजी स्वभाव का अंग है, लेकिन अच्छा शासक बनने के लिए जिस दृढ़ता की जरूरत पड़ती है, जिस कठोरता की जरूरत पड़ती है, जिस उदारता की जरूरत पड़ती है, वो भी साधु संतों के अंदर ही हो सकता है और किसी के अंदर नहीं हो सकता। और इसलिए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस महान स्थान के ऊपर मुझे आने का अवसर मिला है। मैं बहुत लोगों को बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठा हुआ देखी हूँ और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जन्मदिन का प्रारंभ हुआ है और आज सभी को उनको बधाइयां दी। मोदी जी भी जिस प्रकार से एक परिवार से उठ करके आगे बढ़े और अंत में भारत के प्रधानमंत्री बने और आज पूरी दुनिया में उनकी जो जय जयकार है, मैं तो कहीं मानती हूँ कि गुरु गोरखनाथ की परंपराओं के जिन संतों ने हिमालय में तपस्या की है उन्हीं के आशीर्वाद से मोदी जी भी आगे बढ़े हैं। क्योंकि कैलाश में भी गुरु गोरखनाथ पंथ के समुदाय के जो महान पुरुष रहे हैं उन्होंने वहाँ पर तपस्या की है और इसलिए उन सबके आशीर्वाद से आज ये देश भी आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। और जब से मोदी जी ने भारत का प्रधानमंत्री पद का सर संभाला है, भारत बहुत ऊंचाई पर उड़ा और जब से योगी जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला है तब से उत्तर प्रदेश भी बहुत ऊंचाई पर उड़ा। ये याद रखिएगा इन पदों पर पहले भी लोग रहे, मोदी जी के पहले भी भारत के प्रधानमंत्री के पद पर लोग रहे और योगी जी के पहले भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर लोग रहे। लेकिन एक बात को समझ के चलिएगा, ऊंचाई पर पहुंचना बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि गीत भी ऊंचे उड़ते हैं और हंस भी ऊंचे उड़ते हैं। ऊंचाई पर कौन पहुंच जाते हैं, गीत भी पहुंच जाता है और हंस भी पहुंच जाता है, लेकिन गीत की नजर सड़े हुए मांस पर होती है और हंस की नजर मान सरोवर के मोती के ऊपर होती है, वो मोती की तलाश में होता है। इसीलिए ऊंचाइयां हासिल करना बड़ी बात नहीं होती, बल्कि ऊंचाई पर रहते हुए आपकी नजर किस चीज के ऊपर है वो बड़ी बात होती है। अगर सड़े हुए मांस पर आपकी नजर है तो आप गीत के तरह हो जाओगे, ऊंचाई पर भी आप गीत हो जाओगे, और अगर आपकी मोती के ऊपर नजर है तो आप ऊंचाई पर हंस हो जाओगे। ये जो पद मिला है मोदी जी को प्रधानमंत्री का पद, उनने देश को ऊंचाइयों की ओर पहुंचाया, और योगी जी को जो मुख्यमंत्री का पद मिला उन्होंने देश को, इस प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर पहुंचाने का प्रयास किया। मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। मैं यहाँ पर एक नेता के नाते नहीं आई, मैंने स्वयं भी संन्यास की दीक्षा ली है और मैं 2015 में कह भी गई थी कि पहले संन्यास की दीक्षा जिनसे तय हो गई थी, उसके बाद जब मैं महंत जी के संपर्क में आई तो मैं महंत जी से ही संन्यास की दीक्षा लेना चाहती थी, महंत वेदनाथ जी से, और मैं उनसे पूछती रहती थी कि कान फटने में कितना दर्द होता है, क्योंकि जो कान में कुंडल पहनाया जाता है ये मैं पूछती रहती थी।
बल्कि योगी जी से भी पूछा कि जब आपको कुंडल पहनाया गया तो आपको कितना दर्द हुआ था, क्योंकि मैं ये कल्पना करना चाहती थी कि अगर मैं पहनती तो मुझे कितना दर्द होता। और मैंने अवैधनाथ जी से पूछा कि क्या आपके नाथों की परंपरा में महिलाओं को भी संन्यास की दीक्षा मिली है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारी दूसरी नाथ थी वो पार्वती ही थी, उदयनाथ नाम से जिसको जाना जाता था वो महिला ही थी। और इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ने का जो अवसर शिक्षा के माध्यम से यहाँ पर प्रदान किया गया है महापति दिग्विजयनाथ जी के समय से, मैं सभी महिलाओं को यह बात कहूंगी कि इस महान परंपरा में भी जो दूसरी नाथ थी वो एक महिला थी, उदयनाथ। इसलिए इस परंपरा ने उनके अस्तित्व को माना और उनको अपनी गुरु परंपरा में माना, इससे साबित होता है कि इस परंपरा में महिलाओं का सम्मान बराबर से कहीं ज्यादा का ही है, कम नहीं है। और इसलिए यहाँ की लड़कियां बैठी है, बहनें बैठी है, बेटियां बैठी है और गुरुजन बैठी है, उनको मैं एक कविता कहकर के अपनी बात खत्म करूंगी। बहुत पहले मैंने एक कविता सुनी थी, अगला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंख में पानी, आपने भी पढ़ी होगी वो। अगला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंख में पानी, मुझे बहुत खराब लगती थी वो कविता। वो कवि के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, लेकिन ये कविता मुझे बड़ी अजीब लगती थी कि ये कोई बात हुई कि आंख में पानी मतलब हमेशा रोती रहती है, मुझे बड़ा दुख होता था। तो मैंने उन्हें एक नई कविता लिखी और मैं आपको सुना के अपनी बात खत्म करूंगी, क्योंकि यही महंत अवैधनाथ जी के लिए और यही महंत दिग्विजयनाथ जी के लिए हम अपनी तरफ से शिक्षा जो उपहार दे सकते हैं वो देंगे। सारी महिलाएं, सारे भारतवर्ष की महिलाएं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, गोरखपुर क्षेत्र की महिलाएं और लड़कियां यही सबसे बड़ा उपहार देंगी कि करो नया संकल्प अभी तो, गढ़ लो नई कहानी, या तो जीजाबाई बनना या बनना झांसी की रानी। यही स्थापित की और उनका पालन और पोषण किया, ये महान संस्थाएं चलती रहे। मैं यहाँ पर जो लड़के बैठे हैं उनको लग रहा होगा कि दीदी ने लड़कियों को मैसेज दे दिया, हमें कोई मैसेज नहीं दिया, तो मैं लड़कों को भी एक मैसेज दूंगी जो हमारे बच्चे हैं, इनको भी मैं कहूंगी कि तुम भी राणा प्रताप की तरह बनो, छत्रसाल की तरह बनो, वीर शिवाजी की तरह बनो, आपके भारत में जो हीरे होंगे वो हीरो होंगे उनकी तरह बनो। लेकिन एक चीज तुम और बोलो कि जिस मोहल्ले में तुम रहते हो, जिस कॉलेज में तुम पढ़ते हो, जिस शहर में तुम रहते हो, तुम जहां भी आते हो जाते हो, तुम्हारी आंखों के सामने किसी महिला का और लड़की का अपमान नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी आपका विचार करो और अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाओ। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से दोनों महर्षि के चरणों में, जिनको एक बार मैंने अलौकिक भाव में देखा और एक बार जिनके लौकिक संपर्क में भी रही हूँ, उन दोनों महापुरुषों के चरणों में पूरी तरह से अपना प्रणाम करती हूँ और योगी जी को एक बहुत स्वस्थ दीर्घायु और यशस्वी जीवन जीने की शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबको प्रणाम करती हूँ, मन गंगा मन संतोष प्रदान करती हूँ और अपनी जान प्रदान करती हूँ। हमारे यहाँ तो भाई हमारी तो परंपरा में आप सुनिए, हम तो कहते लक्ष्मी नाथ समारंभ नाथ गान नाथ मुनि और यामन मुनि, ये हमारी परंपरा में और नाथ मुनि योगियों के सरकार बताए थे। नाथ मुनि स्वामी ने योग पथ का बड़ा चिंतन किया और नाथ मुनि स्वामी जी का इस गोरखनाथ इस परंपरा में उस समय से लेकर मतलब शतकोप सूर्य के 3000 वर्ष बाद यानी आज से लगभग 2100 वर्ष पहले श्री नाथमुनि स्वामी का अवतार हुआ और उन्होंने कुरुकैका वल्लभन नाम के एक दक्षिण के संत योगी को अपना योग पर सिखाया और उन्होंने कहा कि हमारे भी परंपरा में मेरे पौत्र यामन मुनि होंगे, उनको यह योग सिखा देना। इस तिथि को सिखाने के लिए उन्होंने कहा कि इस तिथि को मैं सिखाऊंगा। यामन मुनि श्रीहाष्ट का प्रणयन नहीं हुआ था, उस समय रामानुजाचार्य का जन्म नहीं हुआ था, उस समय के पहले दिमाग में बता रहा हूँ। यामन मुनि ने जब उस पत्र को देखा और ग्रंथ पढ़ते हुए चिंतन करते हुए गोहर प्रवृत्ति का अनुसंधान करते हुए देखा तो उसमें वो पत्र लिखा हुआ था कि स्थिति में वहाँ पहुँचना था योग विद्या को सीखने के लिए। उस तिथि को जब देखा तो अरे आज ही तो ये तिथि, तो वार्तामाला में एक वार्ता है, अहो
अरे आज पुष्पकमान मुझे नहीं मिला, ये पश्चाताप करते हैं। अगर पुष्पकमान होता तो मैं उन पत्नी के पास पहुँच करके योग विद्या को ग्रहण कर लेता, वो नहीं ग्रहण कर पाए। वह योग विद्या भी उस परंपरा से योगी गोरक्षनाथ जी महाराज को, जिनमें 14 सिद्धों की जो परंपरा थी और हठ योग प्रतियोगिता में इसका बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है, वो योग पद्धति को इस युग में कई काल में भूत भावन भोलेनाथ जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर और भूत भावन भोलेनाथ योगेश्वर, तो योगी योगी नाम की परंपरा जो है भूत भावन भोलेनाथ जी उस तत्व को गोरक्षनाथ जी के माध्यम से इस विद्या में लाए और आदि शंकराचार्य जी के माध्यम से सर्वस्मार्ग परंपराओं में वैदिक सिद्धांतों को परिपुष्ट करते हुए आगे बढ़ाए। उस परंपरा में हम जब चिंतन करते तो योगियों को सारी बातें मालूम हो जाती है। वैसे ही पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज वो ऐसी वंश परंपरा में रहे जिसमें महाराणा प्रताप जी जैसे महापुरुष का जन्म हुआ, जिसके लिए हम सब लोग बोलते हैं बारम्बार अभूत पुरा भारत भावभाषत सहित कलिंगस्य सदन्ध पार्षद महाबलेन्द्र विचितौ प्रशासक प्रताप सिंहा परमात्मनाशक। ये प्रताप विजय में हम लोग विद्यार्थी जीवन में अध्ययन किए थे, प्रताप विजय नाम का ग्रंथ है। और वह एक चिंतन था कवियों का महापुरुषों का, तो वहाँ उस परंपरा के पशु भी राष्ट्र के लिए समर्पित होते थे और उस पशु के लिए भी हमारे नाम प्रताप होते थे। व्यक्ति किसी का नाम भूल जाता है लेकिन एक पशु योनि में प्राप्त, यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं अगर मैं उनसे पूछूं कि उच्चैः श्रवा किसका नाम है तो बहुत कम लोग बता पाएंगे कि उच्चैः श्रवा किसका नाम है, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि चेतक किसका नाम है तो सब लोग बता देंगे कि वह राणा की पुतली फिर नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। मतलब ज्यादा भवकार मांगने से कुछ भी मिलेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं, ज्यादा लाल पीला भी हम पहन ले तो भी कोई प्रसिद्धि मिल जाए ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इस युग में ऐसे ऐसे बहुत ये लोग घूम रहे हैं जो है रंगन हो बाबू काल में रावण राव। हनुमान जी महाराज ने कहा है अभी अभी हमारे पास में हमारे दीदी उमा भारती जी बोल रही थी, अभी तो हमें नहीं पता है कि वो हम से अवस्था में बड़ी है छोटी है, लेकिन मैं दीदी जी मानूंगा बड़ी ही मानूंगा उनको और यह अनुभव भी करूँगा। लेकिन उनकी दीक्षा गौ श्री भारती के रूप में उनका नामकरण संस्कार पूज्य स्वामी श्री जी गुरु मध्वाचार्य जी महाराज विश्व स्थित जी के द्वारा आपने स्वयं दक्षिण हालास्य में निमंत्रण दिया था कि हमारे दीक्षा दक्षिण हालास्य में हम सब लोग हैदार साहब के यहाँ गए थे कार्यक्रम में और वहीं पर कैसे दिया था उसके भक्त का, तो उस समय रास्ते में गाड़ी में लगे लगे कहते समय ही सारी बातें हो रही थी, तो आपने कहा कि गेरुआ रंग उस गेरुए रंग में हमें आया सच में कि गेरुआ रंग जो है आत्म मध्य था करते हैं सर्वत्र लिए थे आदि और अंत ए टू जेड, ए भी गेरुआ है और जेड भी गेरुआ है। बोले वो कैसे? बोले ए का मतलब उत्थान है और जेड का मतलब अवसान है। तो सूर्योदय के समय भी सूर्य का रंग यही हो जाता है और सूर्यास्त के समय भी सूर्य का रंग यही हो जाता है और भारत माता का मस्तक जम्मू कश्मीर जैसा पर्वत और उस जम्मू कश्मीर की मांग में पैदा होने वाली जो केसर कश्मीर केसर स्तोम कमारा कौशल्य संधान स्कंध मूलावलंबिना, तो भारत माता की कश्मीर की क्यारियों की मांग रूपी क्यारियों में जो सिंदूर रूपी केसर प्रकट हो रही है वहां की मांग छलनी हो रही थी, वहां की केसर भी समाप्त होने की तैयारी में थी, वहां की मान को जाने को वो माथा ही मेरी भारत माता का जाने के कगार पर था, लेकिन जिनकी आज जन्म तिथि है ऐसे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने
तो हमको भी 10-12 साल कार्य करने का, 15 साल लगभग काम करने का मौका मिला और नजदीक से उन्हें देखने का और समझने का भी मौका मिला। हमारे मठ जो है परेशानी पड़ गया था तो पूज्य रविन्द्रनाथ जी महाराज जी ने महंत चांदनाथ जी महाराज जी थे वहाँ कर्नाटक में, तो वहीं पर करनाल में हमारा एक आश्रम था हम सवाल में, तो उसके लिए पत्र लिखना था। इतना सुंदर पत्र महंत चांदनाथ जी के लिए उन्होंने लिखा और कहा कि हम स्वयं आते लेकिन यहाँ सेशन चल रहा है और मैं नहीं आ सकता था, हमारे परम श्रेष्ठ हैं। तो हमारे पर उनका वात्सल्य, आचार्य जी को सम्मान में कहते थे लेकिन वात्सल्य उनका उसी रूप में था जिसका मैं अनुभव करता हूँ और मुझे रामचंद्र परमहंस जी के वात्सल्य का भी अनुभव करता हूँ। और इन दोनों की घनिष्ठता और मैत्री जैसे महंत अग्रेश्वरदास जी और प्रेमदास जी रामायणी जी की मैत्री प्रसिद्ध थी अयोध्या में, वैसे ही सारे विश्व में हमारे भारत में तो विशेष रूप से साधु समाज में वो जवेंद्रनाथ जी महंत जी महाराज जी की और रामचंद्र परमहंस जी की और दोनों के वात्सल्य का पात्र हरामस दास था। इसलिए आज हम अनुभव करते हैं इस विषय को कि वो दिग्विजय नाथ जी के रूप में हमें दोनों चीजें प्राप्त हुई, वह राणा प्रताप का शौर्य ही प्राप्त हुआ और वो बप्पा रावल की वीरता भी प्राप्त हुई, जो बप्पा रावल ने फिर क्या स्वामी के भंडार कहा था यही होगा और धक्का देते उनको भी खरीदने का प्रयास चला था हुआ था उस समय बप्पा रावल को, राष्ट्रीयता के मापदंड को अच्छी तरह समझने वाले उस परंपरा में जब योगी जी आए और इन्होंने अवैध कुछ श्रमों को समाप्त कर दिया और इनके हाथ में यदि यह अधिकार होता कि वैध कुछ श्रमों को भी समाप्त कर दिया जाए तो एक भी गोवंश की हत्या हमारे प्रांत में नहीं होती। और हम यही चाहते और मेरे में भी ये भाव ये बात बार बार आती है और इस समय मुझे कोई कल्पना नहीं थी और चौहान साहब शिवराज सिंह जी बैठे थे इसमें और वो जवेंद्रनाथ जी महाराज जी को राष्ट्रीय पुण्यतिथि का कार्यक्रम था या रामानंद दास भी आया था संयोग से और मेरे को उसे उस दिन निकल गया था कि हमारा साधु समाज आज आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है, ये मेरे मन में निकला था। और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि 7-8 महीने बाद वो संकल्प जो है वो पूरा हो गया। वैसे ही मेरे मन में ये भाव आता है कि उन सारे तेज उन सारे ऐश्वर्य उन सारी विभूतियों को लेकर के और वह भी मेरे मन में आ रहा है कि ऐसा एक सर्वोच्च अधिकार भी आपके हाथ में होना चाहिए जिससे भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के ही नहीं भारतवर्ष में ही भविष्य का निर्णय करने की क्षमता आप में हो और भारतवर्ष की बात को आपके हाथ में जाए, लोगों के अंदर की भावना है। 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रबलित महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर माणा प्रताप शिक्षा परिषद के विभिन्न संस्थाओं की ओर से आयोजित आज के सर श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिनका अभी सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज जिनका विशेष सानिध्य इस पूरे कार्यक्रम को प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय साध्वी उमा भारती जी, मंच पर विराजमान जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु स्वामी विश्वेश कृपणाचार्य जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी
कि हमारे प्रदेश के तहसील अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी भी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रदेश संस्थापक ब्रह्मदेव महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज को उनकी 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गोरखस्पीठ में ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित है, लेकिन मानव प्रताप शिक्षा परिषद की जहाँ भी संस्थाएं संचालित हो रही हैं उन संस्थाओं में अलग से ही ये कार्यक्रम श्रद्धांजलि समारोह के उन सभी संस्थाओं में भी अलग से संचालित हो रहे हैं। मानव प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना पूज्य महाराज जी ने सन 1932 में की थी। देश की आजादी के पहले वह कालखंड जब देश की आजादी की लड़ाई एक नए चरम की ओर जा रही थी, एक ओर भारत की स्वाधीनता की लड़ाई में सक्रियता के साथ सहभागी बनना, लेकिन साथ ही साथ हम एक ओर देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे, लेकिन आजाद भारत होगा तो आजाद भारत में हम कैसे नागरिक दे सकेंगे, इस भाव के साथ उन्होंने 1932 में महाराज प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। आज हम सब जान रहे हैं कि लगभग 4 दर्जन से अधिक संस्थाएं, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं, शिक्षा स्वास्थ्य और सेवा के जो प्रकल्प हैं अकेले गोरखस्पीठ गोरखपुर और आसपास के जनपदों में संचालित कर रहा है। इसके पीछे का हेतु तो स्पष्ट था, एक इस देश को राष्ट्रभक्त पीढ़ी हम दे सके और एक पीढ़ी पैदा होगी हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में, एक योग्य नागरिक दे सके, इस भाव के साथ उन्होंने महाराज प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। दूसरा, हमारे धार्मिक स्थलों के लोक कल्याण का भाव भी वह साकार हो सके। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सेवा के विभिन्न कार्यक्रम अलग अलग क्षेत्रों में अन्य दिव्यांगजनों के लिए या समाज के अलग अलग पीढ़ी के लोगों के लिए उस प्रकार के कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ा सकें, इस भाव के साथ गोरखस्पीठ ने इस यात्रा को आगे किया। यद्यपि पूज्य संतों का पूरा जीवन ही लोक कल्याण के लिए होता है, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप से उन कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता के साथ आगे बढ़ जाना यह महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने जब 1932 में महाराज प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की उसके बाद एक गोरखस्पीठ के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दिया। अक्सर ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने पूज्य गुरुदेव महान अवेद्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में लगभग 25 वर्षों तक रहने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं इस बात को अक्सर उनके मुंह से सुनता था और उनके द्वारा इस बात पे विशेष जोर दिया जाता था और इस बात को लेकर के वो कहते थे कि हमारे धर्मस्थलों का स्वरूप अगर आपके पास साधन है तो सबसे पहले हमारे धर्म स्थलों में किसी भी व्यक्ति के साथ बिना भेदभाव के उसके लिए रोटी की व्यवस्था हो जाए, अन्न क्षेत्र सबके लिए चले बिना भेदभाव के, आप उसकी जाति मत देखिए, उसका मत मत देखिए, उसका संप्रदाय मत देखिए, उसका मजहब मत देखिए। दूसरा, अगर आपके पास साधन है और संतों का दायित्व भी बनता है लोक कल्याण के जिस मार्ग पर चले वो समाज के ही सहयोग से आगे बढ़ सकता है। वो कहते थे कि संस्कृत के
अध्ययन अध्यापन का उत्तम केंद्र विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति उसी से जीवित रहेगी, हम सब का अस्तित्व उसी से जीवित रहेगी और उसका केंद्र बिंदु बनाना। आपके पास साधन है या समाज के सहयोग लेने में आप सक्षम हैं, तो आधुनिक शिक्षा के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान विज्ञान की, आधुनिक तकनीक की शिक्षा अगर हमारे छात्र छात्राएं नहीं लेंगे तो फिर हम प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे। हमें पिछड़ना नहीं है और इस दृष्टि से उनका इस पर विशेष जोर रहता था। और यही नहीं, स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था ये केवल सरकार के भरोसे ही नहीं, समाज का दायित्व भी है। समाज के इस क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी सुधीर जनों का यह दायित्व बनता है कि वे लोग भी इस कार्यक्रम में सहभागी बन करके अगर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं तो लोक कल्याण का यह अभियान, जैसे कि आज विगत 5 वर्षों के दौरान आप सबने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस परिकल्पना को साकार करने की बात होती है, अक्सर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से एक बारे में कहते हैं कि केवल सांसद चुना जाना, केवल विधायक चुना जाना, केवल मंत्री बन जाना ये आपका अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि हो जाना ये पर्याप्त नहीं है। एक जनप्रतिनिधि के अपने सामान्य दायित्व का निर्वहन करने के साथ साथ किसी न किसी लोक सेवा के प्रकल्प पर, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम के साथ आपको अपने आप को अगर जोड़ पाएंगे तो जन विश्वास के प्रतीक बन पाएंगे। और ये एक बड़ा पवित्र कार्य है। आज जब हम पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 69वें जयंती के कार्यक्रम को सेवा सत्कार दिवस के रूप में मना रहा है, सचमुच एक ही प्रेरणा है, भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा से चली आती जो परंपरा है और आज भी भारत की लोक कल्याणकारी अभियान को आगे ले जाने के लिए पूरी तत्परता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ जिन महानुभावों ने इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित किया है, उन सबके मन में एक ही भाव होता है, हम कहीं भी आधुनिक तकनीक से, ज्ञान विज्ञान से अपने आप को वंचित न कर दें। और माना प्रताप शिक्षा परिषद इसी भाव के साथ स्थापित हुआ है। प्रदेश की निजी क्षेत्र की पहली प्रावधिक शिक्षा का केंद्र गोरखपीठ ने गोरखपुर में बनाया है। प्रदेश में विश्वविद्यालय के बनाने की, जब राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने की बात आई थी तो गोरखपीठ ने अपने 2 संस्थाएं राज्य सरकार को 1955-56 में दान दी थी, तब गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हो पाई थी। यही नहीं, महिला शिक्षा पर भी महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज का विशेष जोर था। महिला शिक्षा के उन्नयन के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया, अहर्निश प्रयास करते रहे। उस कार्यक्रम के लिए पहली महिला, यानी गोरखपुर में पहले महिला कॉलेज की स्थापना 1955 में उन्होंने की थी, जो बाद में गोरखपुर विश्वविद्यालय को दान स्वरूप दे दिया गया, जहां पर गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। यानी कार्यक्रम उसी अभियान के हिस्से हैं। सचमुच माणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने संस्थापकों ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की भावनाओं के अनुरूप उस यात्रा को निरंतर आगे चल करके बढ़ा करके राष्ट्रभक्त पीढ़ी को आगे बढ़ाने के इस अभियान के साथ एक समर्पित भाव के साथ लगा हुआ है, न केवल शिक्षा के लिए, न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अपितु समाज सेवा के विभिन्न प्रकल्पों के साथ जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। और आज श्रद्धांजलि समारोह का एक कार्यक्रम न केवल गोरखपुर में भी तो आसपास के उन सभी जनपदों में, उन सभी संस्थाओं में जो ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी के महाराज के द्वारा स्थापित माणा प्रताप
शिक्षा परिषद से वर्तमान में संबद्ध हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम को इसी रूप में उसी भावना के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। अपने संस्थापकों के प्रति, अपने उन मार्गदर्शकों के प्रति जिनकी प्रेरणा, जिनका मार्गदर्शन, जिनका आशीर्वाद सदैव इन संस्थाओं के साथ जुड़ा रहा है, हमारी उन भावनाओं का अगर हम पूरे मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता और पूरे समर्पण भाव के साथ अगर हम आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, ये अपने संस्थापकों के प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और मुझे लगता है कि भारत की परंपरा इसी बात को कहती है कि हम अगर किसी को पूछते हैं शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यानी हम जिसकी पूजा करते हैं उसके रूप बनने का प्रयास करें। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, महंत अवैद्यनाथ जी महाराज ने जो एक अच्छी परंपरा की शुरुआत गोरखपुर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए प्रारंभ की, लोक कल्याण का जो अभियान पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया, नाथ संप्रदाय के स्थानों के बारे में उन का स्वरूप किस रूप में होना चाहिए, इस भाव को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं, अगर हम उनका अनुसरण आगे बढ़ा सकते हैं तो मुझे लगता है कि यह अपने पूज्य गुरुजनों के प्रति, अपने संस्थापकों के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि होगी। मैं माणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की पावन स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अपने अतिथियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनका सानिध्य, उनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। खासतौर पर जगतगुरु रामानुजाचार्य, पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, पूज्य स्वामी विश्वेश्वरपनाचार्य जी महाराज, पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, इन सभी पूज्य संतों का सानिध्य तो प्राप्त हुआ ही, लेकिन मुझे संदेह था कि साध्वी उमा भारती जी इस बार के कार्यक्रम में संबोधन नहीं आ पाए, क्योंकि वह स्वयं हिमालय में थे। और आज से लगभग 10 दिन पहले जब मेरी उनसे बातचीत हुई थी तो उस समय में हिमालय में थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हिमालय में आ चुकी हूँ, अब यहाँ से मेरे लिए उतरना कितना संभव हो पाता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि पता नहीं इस सभागार में कितने लोगों ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज को साक्षात देखा है, नहीं देखा है, लेकिन ब्रह्मलीन महंत जी महाराज के सूक्ष्म शरीर के साथ और सूक्ष्म काया के साथ अगर संवाद किसी ने बनाया है तो वह साध्वी उमा भारती जी हैं, जिन्होंने हिमालय में उस परंपरा को ध्यान में रखते हुए मैंने उनसे विशेष आग्रह किया था कि इस कार्यक्रम में उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर पधारें, और आज वे हम सब के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से उन्हें साधुवाद देता हूँ। अन्य पूज्य संतों के प्रति, अतिथियों के प्रति भी जिनका सानिध्य इस सप्त दिवसीय कार्यक्रम में यहाँ पर प्राप्त हुआ है, एक 7 दिवसीय कार्यक्रम विगत 50 वर्षों से गोरखस्पीठ में संचालित हो रहा है। इन कार्यक्रमों में देश काल और समसामयिक विषयों को लेकर के जिनसे समाज और राष्ट्र के क्षेत्र में हमें कुछ करने की प्रेरणा प्राप्त होती है, इन सब क्षेत्रों के बारे में बहुत कुछ जानने, सीखने और पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त होने और विशेषज्ञों के विचारों को जानने का अवसर हमें प्राप्त होता है। इस सप्त दिवसीय संगोष्ठी के जो विशेष कार्यक्रम होते हैं, साथ साथ धार्मिक प्रवचन के कार्यक्रम भी इस अवसर पर प्राप्त होते हैं। ये कार्यक्रम अनवरत रूप से विगत एक सप्ताह से गोरखस्पीठ में उसी अनुरूप चल रहे हैं। मैं आयोजकों को और इस पूरे आयोजन समिति के साथ जुड़े हुए जितने भी गोरखस्पीठ और माणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए जितने भी हमारे सुधीजन हैं, महानुभाव हैं, पदाधिकारीगण हैं, पूज्य संतजन हैं, उन सबको
हृदय से साधुवाद देता हूँ इन दोनों महापुरुषों के प्रति, अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।